साउथ के सुपरस्टार विजय सेतुपति आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विजय को ये फिल्म छोड़नी पड़ी। ये खबर जब सामने आई थी कि विजय ने अचानक लाल सिंह चड्ढा छोड़ दी है, तो उनके फैंस यही जानना चाहते थे कि ऐसा अचानक क्या हुआ कि उन्होंने ये कदम लिया। आपको बता दें, रिपोर्ट्स थी कि विजय के साथ काम करने के लिए खुद आमिर खान ने ही मना कर दिया था, और इसकी वजह बताई जा रही थी कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने विजय सेतुपति को इस फिल्म में उनके किरदार के लिए वजन घटाने के लिए कहा था, मगर विजय ऐसा नहीं कर पाए और आमिर के साथ मनमुटाव के चलते ही फिर उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी। मगर अब खुद विजय ने इन सभी खबरों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। साथ ही विजय ने बताया कि आखिर उन्होंने क्यों ये फिल्म छोड़ने का फैसला किया। विजय ने वो दिन याद करते हुए बताया जब आमिर खुद उनके पास फिल्म का ऑफर लेकर आए थे। विजय ने बताया, आमिर सर ने खुद मुझे इस फिल्म का ऑफर दिया था। वो उस वक्त मुझे फिल्म की कहानी सुनाने के लिए खुद तमिलनाडु आए थे, जहां मैं एक शूटिंग कर रहा था। किसी कारण से उनके साथ निर्देशक अद्वित चंदन नहीं थे। आमिर सर खुद अकेले आए, उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, उस रात शहर में ही रुके और अगले दिन सुबह चले गए। इतने बड़े सुपरस्टार और बिल्कुल भी घमंड नहीं, और वो एक बेहतरीन स्टोरी टेलर हैं। जैसे उन्होंने कहानी सुनाई वो हिला देने वाली थी, मैंने तुरंत हाँ कह दिया। वहीं वजन को लेकर फैली अफवाहों पर विजय ने कहा, मैं अपने शरीर और दिमाग से बेहद खुश हूँ। मैंने जो भी प्रोजेक्ट्स किए हैं सभी में मेरे शरीर ने मेरा साथ दिया है। फिर आखिर वो क्या वजह थी जिसकी वजह से विजय को ये फिल्म छोड़नी पड़ी? इस पर उन्होंने कहा, इसके बाद कोविड आ गया और सारे प्लान्स बर्बाद हो गए। लॉकडाउन के बाद मेरे पास 5 तेलुगु प्रोजेक्ट्स थे, सभी अलग अलग स्तर पर थे। मैं इस वजह से लाल सिंह चड्ढा के लिए वक्त नहीं निकाल पाया। विजय ने ये भी बताया कि इसके बाद वो आमिर से मिलने उनके घर भी गए, एक बार नहीं बल्कि दो बार, जहां आमिर ने तहे दिल से उनका स्वागत भी किया, और जिसके बाद विजय उनके फैन ही बन गए। यानी साफ है कि आमिर और विजय के बीच कोई मनमुटाव नहीं हुआ था, बल्कि डेट इश्यूज की वजह से ही विजय लाल सिंह चड्ढा नहीं कर पाए। खैर, लाल सिंह चड्ढा ना सही, विजय अब कटरीना कैफ के साथ श्रीराम राघवन की फिल्म में नजर आने वाले हैं, और अब उनके फैंस उनकी इस बॉलीवुड फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।